बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नय्यर इकबाल। स्टूडेंट्स, हमने गुज़श्ता चंद वीडियोस में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यू नो, साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर देयर आर सिक्स बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस लेक्चर से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम इनवर्स साइन फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे और इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हियर इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स कोसाइन एक्स, इनवर्स टेंजेंट एक्स, इनवर्स कोटेंजेंट एक्स, इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स एंड इनवर्स ऑफ कोसीकेंट एक्स। दीज सिक्स आर द बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये छह बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम वन बाय वन हर एक का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन इनवर्स एक्स या जिसे हमें पढ़ना चाहिए इनवर्स ऑफ साइन एक्स, पहले तो हम इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर की किताब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेयर आई शैल ओनली डिफाइन साइन इनवर्स साइन फंक्शन। सो वी डिफाइन इनवर्स साइन फंक्शन, इनवर्स साइन फंक्शन वी कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय, द फंक्शन डिफाइंड बाय y is equal to, the function defined by y is equal to inverse sin x if and only if, if and only if x is equal to sin y, where domain of, where domain of inverse sin x is minus 1 से 1, that is closed interval, range of sin inverse x, that is minus pi by 2 to pi by 2। स्टूडेंट्स, ये डोमेन और रेंज इन्हें आपने ज़रूर जेहन में रखना है। अब हम इनवर्स साइन फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं, सॉरी। सो नो वी प्रूव द रिजल्ट दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ओके, डेरिवेटिव
of inverse sin x, that is 1 divided by 1 minus x square under root sin. So we want to prove it. So students, see how do we prove it. Let y is equal to inverse sin x. This can be written as x is equal to sin of y, where हम जानते हैं this y belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Now differentiating with respect to x. जब आप with respect to x इसे differentiate करेंगे तो देखें x का derivative 1, साइन y, देखें साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन y, ये हम पढ़ चुके हैं. और उसके बाद ये जो एंगल है y, इसका डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो फ्रॉम हियर वी हैव डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ y. अब यहां पर आपने कोसाइन y की वैल्यू दर्ज करनी है. तो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें मालूम है कि अगर आप साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस स्क्वेयर वाई करते हैं तो हमारे पास वन आता है. यहाँ से आप देखें कोसाइन ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस माइनस वन माइनस साइन स्क्वेयर वाई अंडर रूट. तो अब स्टूडेंट देखें कॉस वाई की कीमत प्लस भी आ रही है और माइनस भी आ रही है. अब हमने इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है. हम जानते हैं कि वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी बिलोंग करता है इस इंटरवल में. स्टूडेंट्स, ये इंटरवल व्हाट इज़ दिस. आप ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये ड्रा करते हैं तो यहाँ एंगल होता है पाई बाई टू और इधर होता है माइनस पाई बाई टू. मीन अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ तक माइनस 90 और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ तक प्लस 90. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल जो है ये वाई, इट बिलोंग्स टू आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. ये जो एंगल है वाई, इसका ये कहाँ लाई करता है, पहले में या चौथे क्वाड्रेंट में. अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आप देखते हैं कि कोसाइन वाई, कोसाइन वाई तो इन दोनों में पॉजिटिव होता है. देयर फोर वी टेक ओनली द वैल्यू विच इज पॉजिटिव कोसाइन वाई की. सो हेयर वी राइट सिंस वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सो कोसाइन ऑफ वाई इज पॉजिटिव हेयर. सो वी टेक हेयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्केयर वाई अंडर रूट. हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. अब आप देखिए कि नेक्स्ट, अब देखिए कि साइन वाई हमारे पास एक्स है. सो आप यहाँ पर एक्स लगा देंगे तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा. So, derivative of y with respect to x is 1 divided by 1 minus x square under root. तो students, ये है हमारा derivative का formula. जब आप sin inverse x का derivative लेते हैं, inverse sin x का, that is derivative of inverse sine function of x, this is equal to 1 minus x square under root. Now we write its general result. हम इसको अब generalize करते हैं. We generalize this result. और वो किस तरह करते हैं हम? हम ये कहते हैं कि let y is equal to sin inverse u, where
where this u is a function of also x. So differentiating y with respect to x, that is derivative of y with respect to u and derivative of u with respect to x. This is chain rule, you know, this is our chain rule, which means derivative of y with respect to u, जब आप sin inverse u का with respect to u derivative निकालेंगे, तो देखिए अगर यहाँ u हो तो 1 over 1 minus u, that is 1 divided by 1 minus u square under root, और साथ में derivative of u with respect to x. So, तो हमारे पास एक ये रिजल्ट भी आ जाता है कि अगर आप साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव निकालना चाहें, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ यू का आपने निकालना है डेरिवेटिव, दिस इज वन ओवर वन माइनस यू स्क्वायर ये अंडर रूट साइन इनटू यू प्राइम, वेयर दिस यू इज आल्सो एनी फंक्शन ऑफ एक्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने देखा कि हमने इनवर्स साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला. सबसे पहले तो हमने इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला, जो आपने देखा कि ये होता है वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर. फिर हमने इसी रिजल्ट को जनरलाइज किया, हमने एक्स की जगह पर कह दिया कि हमारे पास यू कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स. देन बाई यूजिंग द चेन रूल we observe that we have to differentiate also this u, also we have to differentiate with this derivative. So students, inshallah next lecture mein main aapko is inverse trigonometric function ki madad se jo questions solve ho sakte hain exercise 2.5 ke ya examples mein se, inshallah hum unki practice karenge. So